वेलकम टू पावर एजुकेशन। आई एम गौरव खुटिटा फ्रॉम पावर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स क्लास नाइन्थ की, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम पहले बात करेंगे व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स एंड हाउ द पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है। इस वीडियो में हमने इस बार से हम क्या कर रहे हैं, इस पहला वीडियो रहेगा आपका कॉन्सेप्ट वीडियो, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, सबसे पहले ये चीज समझिए आप, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब अगर मैं इसमें बात करता हूं, ये जो y है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि जो y की जो वैल्यू है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x। मैं y को क्या बोल सकता हूं, y इज अ पॉलिनोमियल इन x। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x और आई कैन रिप्रेजेंट इज अ पी ऑफ x। इसी तरीके से मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूं, मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज सेम थिंग, है ना। आप इसको y भी बोल सकते हो, या मैंने यहां पे बोला दिस इज क्यू एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये q है, ये जो y है, ये किस पे डिपेंडेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है यहां पर, x। अगर मैंने यहां पे बोला पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, तो इसको क्या लिखोगे, पी टी। ये किसमें, किस वेरिएबल के अंदर है, टी के अंदर, तो यहां पे क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। अगर मैंने कोई इक्वेशन ऐसे लिख दी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, आप इसको क्या लिख सकते हो, पी ए, ठीक है ना। ये इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया ना। अब अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर कि कौन सा जो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, किस कौन से जो टर्म्स होगी विच आर नॉट पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात समझिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कि जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री, या फिर मैं बोलूँ कि पावर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, वही तुम्हारा क्या होगा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैंने तुमको बोला कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहां पे देखो इसकी पावर कितनी है, एक्स की टू है, यहां पर कितनी है, वन है, तो दोनों तुम्हारे पास जो पावर आ रही है इट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब अगर मैंने यहां पर बात करी पी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब यहां पे देखिए ये किस में आ गई पावर, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहां पर एक्स की पावर कितनी आ गई, वन बाई टू, एंड दिस इज द टू, तो यहां पर ये जो पावर है दिस इज अ फ्रैक्शन में आ गया तुम्हारे पास। और यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स की जो पावर होनी चाहिए दैट विल बी नॉन नेगेटिव, समझ में आया आप लोगों को, तो यहां पर पावर वन बाई टू हो रही है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं पी एक्स इज इक्वल टू फोर, कितना यहां पर, फोर। अब यहां पर बताइए कि ये पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, ध्यान से समझिए, पी एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूं फोर इंटू वन, फोर, वन को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स की पावर जीरो, सो दिस इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहां पर दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इस चीज को अपन बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी मैं बात करूंगा कि इसकी डिग्री कितनी होती है, क्या होती है, इस डिग्रीज पे अपन बाद में जाएंगे। सबसे पहले एक लॉजिक समझिए कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड चीज अपन बात कर रहे हैं कि विच आर पॉलिनोमियल्स एंड विच आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल और लेता हूँ, सपोज करो मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पर रूट एक्स, या मैंने लिख दिया एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है तुमको, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स अपॉन रूट एक्स है, एक्स को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स से रूट एक्स हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन तुम्हारे पास एक्स की पावर क्या आ गई यहां पर, वन बाई टू, यहां पर टू है, पर देखिए यहां पर एक भी पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, फ्रैक्शन हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैंने तुमको ये बोला कि पी एक्स
इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी आ गई, माइनस वन, दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो पॉलीनोमियल क्या होता है कि वेयर डिग्री डिग्री ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री ऑलवेज क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, दीज आर द पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल को बेसिकली अपन टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं ना, पहला होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म एंड बेस्ड ऑन देयर डिग्री, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं कि बेस्ड ऑफ टर्म पे क्या डिफाइन करते हैं अपन एंड डिग्री पे उसको क्या डिफाइन करते हैं। तो पॉलीनोमियल को अपन दो टाइप से डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन द डिग्री, और सेकंड अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डिग्रीज क्या होती है ना, डिग्री क्या होती है किसी पॉलीनोमियल की। पहली चीज, पॉलीनोमियल तुमको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विच आर पॉलीनोमियल्स एंड विच आर नॉट पॉलीनोमियल। अब जो पॉलीनोमियल है उनकी मुझे डिग्री निकालनी आनी चाहिए। डिग्री कैसे निकलती है, ध्यान समझो। अगर मैंने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर बताइए x की पावर कितनी है, हाइएस्ट, टू, यहाँ पर कितनी है, वन। तो जो भी डिग्री हाइएस्ट होगी, जो भी पावर हाइएस्ट होगी, वो तुम्हारी क्या होगी, यहाँ पर डिग्री होगी। तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँगा तो ये कितनी हो जाएगी, अगर मैं लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही है, वन आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन, ठीक है। अगर मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अब मैं बोल रहा हूँ बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वन, इसकी डिग्री हो जाएगी थ्री, सॉरी कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री, थ्री। अब अगर अपन बात करें तो देखो इसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलीनोमियल, डिग्री अगर वन होती है तो उसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलीनोमियल, डिग्री अगर टू होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और अगर डिग्री थ्री है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल एंड व्हाट आर द जीरोस पॉलीनोमियल, है ना, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा, सपोज करो मैंने लिखा वाई इक्वल टू फोर, कितना है वाई इक्वल टू फोर, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। तो यहां पर मुझे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, देयर इज ओनली अ सिंगल कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं वाई इक्वल टू 246, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है ना। सबसे पहले लॉजिक समझना, वाई इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 4, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इंटू 1, वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स की पावर 0। भाई किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 करता हूँ वो कितना होता है, ऑलवेज 1। तो यहाँ पर बताओ x की डिग्री कितनी आ रही है, पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डिग्री होगी That is zero. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री ऑलवेज क्या होती है, तुम्हारे पास जीरो होती है। समझ में आया नहीं है, अब देखिए यहाँ पर डिग्री टू है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, डिग्री वन है उसको बोलेंगे लीनियर, डिग्री थ्री है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो। अब एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मैंने बोला जीरो पॉलीनोमियल, वाई इक्वल टू जीरो लिखा मैंने, अब मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। सबसे पहले एक बात समझिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए y इक्वल टू जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, आई कैन राइट इट एज अ जीरो इंटू एक्स की पावर वन, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, एंड देर आर सो मैनी केसेस। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इससे निकालूंगा डिग्री जीरो आएगी, वन आएगी, टू आएगी, थ्री आएगी, फोर आएगी, टू इन्फाइनेट आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा इसको कि डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक यहाँ पर नंबर जा सकते हैं। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन जीरो पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं इसको अपन, जीरो पॉलीनोमियल। और जो इसकी डिग्री होगी इसमें क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और इसको रटने की जरूरत नहीं बिल्कुल, है ना बच्चों, ध्यान समझो वाई इक्वल टू जीरो होगा उसको मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, सो देर आर सो मैनी डिग्रीज आर पॉसिबल। तो कोई भी पॉलीनोमियल उसकी डिग्री ऑलवेज एक ही होगी ना, ये नहीं कि उसकी 0, 1, 2, 3 सारी डिग्रीज होगी ना। तो इसके क्या हो सकते हैं, जीरो पॉलीनोमियल की डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड डिग्री ऑफ द कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल इज जीरो, ठीक है। अब ये अपनी बेसिक चीजें हो गई। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर कि नंबर ऑफ टर्म्स पर कैसे डिसाइड करते हैं अपन, ठीक है।
अब नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारी क्या क्या होगी, सपोज करूँ मैंने बोला लिखा वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है, वन आ रही है। अगर मैं लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है यहां पर, थ्री, वन टू एंड थ्री। अब अगर मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है बच्चों, टू आ रही है। ठीक है, तो दो तरीके से डिवाइस करते हैं पॉलिनोमियल को, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री। अब जहां पे नंबर ऑफ टर्म वन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स टू होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जहां पे नंबर ऑफ टर्म थ्री होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब जो इसी तरीके से नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ टर्म अगर फोर होगी तो उसको बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। इस तरीके से तुम्हारा पैटर्न क्या है चलता जाएगा, पर तुम्हारे काम का क्या है इन चीज़ों को समझना है कि वॉट आर द नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे क्या बोलते हैं उसको। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर वन है तो उसको बोलते हैं अपन मोनोनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, थ्री है तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, और नंबर अगर नंबर ऑफ टर्म्स टू है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बेस्ड ऑन द टर्म्स पे अलग होगा, डिग्री पे अलग होगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन बात करेंगे, इसके थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे, और मैं अब क्या करूंगा इसके बाद जो मेरा पार्ट टू वीडियोस रहेगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।